अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप तमाम भाइयों का। उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे। हमारी अगली वीडियो में खुश आमदीद। काफ़ी दिनों से जी हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, तबीयत कुछ हमारी नासाज सी थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज खुश आमदीद है आपको हमारी वीडियो में। ये देखें चूज़े कैसे खुश हो रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। सामने ये गन पड़ा हुआ है, पर ये गन नहीं है, ये मैंने जानबूझ के जो है ये डाला हुआ है ताकि इसमें जो है छोटे छोटे कीड़े जो हैं पैदा होते हैं, और वो ये जो चूज़े हैं जैसा कि आप देख सकते हैं बड़े शौक से जो है ये खाते हैं, और इनकी सेहत के लिए जो है ये बड़ी मुफीद है, इनकी सेहत के लिए काफ़ी अच्छी जो है ग्रोथ करते हैं इसके बाद। जैसा कि जी आप तमाम भाइयों को पता है कि इस मौसम में गर्मी जो है कि शिद्दत की पड़ी है। अभी हमारा मुर्गा सामने कंधारी हीरा देखें, पर खोल के जो है इसको भी गर्मी लग रही है, मुँह खोला हुआ है, पर खोले हुए हैं, ये अलामत है कि आपके परिंदे को जो है गर्मी लग रही है। अभी कुछ टिप्स मैं आप भाइयों को दूंगा जिससे आपका बर्ड जो है कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाए। सबसे पहले तो ये है जी कि आप ऐसा कोई स्प्रे ले लें, या मोस्टली जो पुराने शिकारी लोग हैं वो फवार मारते हैं, मुंह में पानी डाल के जो है ना मुंह से जो है फवार मारते हैं, वो भी ठीक है। पर आसान तरीका हाल यह है कि मुर्गे को जो है ये परों में ना इसके पर खोलें, ये परों में जाना, क्योंकि परों में जो है सबसे ज़्यादा इनको गर्मी लगती है। यहाँ पे मार दें, अभी ये रिलैक्स हो रहा है, ये देखें कितने, इससे जो है सफाई भी हो जाएगी इनकी, तो मिट्टी में गंद में फटे रहते हैं उससे सफाई भी हो जाएगी। इधर पीछे भी जो है इस पर यहाँ पे भी मार दें। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, गर्मी का मौसम में कुछ नहीं होता आपके मुर्गे को, कोई बुखार शुखार कुछ नहीं होगा, छोड़ दो। ये देखिए अब देखें पर जो है इसने बंद कर दिया, कैसे मज़े में जो है रिलैक्स होकर जो है वो खड़ा हो जी। ये कोई तीन सी चीज़ें हैं, ये पाउडर्स हैं, वाइटामिन है, बेसिकली इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक तो ये वाइटासोल है, ये भी आप भाइयों को पता होगा इसका, ये वाइटामिन है, इसमें वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई सब मौजूद हैं। ये उन बर्ड्स को स्पेशली दी जाती है, गर्मियों में भी दी जाती है, चूज़ों को ज़्यादा भी दी जाती है ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये, और उनको ख़ास तौर पे दी जाती है जो ब्रीडिंग पेयर हों। जब मुर्गी लेइंग कर रही होती है और ब्रीडिंग हो रही होती है ब्रीडिंग सीज़न में, ये पानी में डाल के आधी चौथा हिस्सा जो है चम्मच का खाने वाले का चौथा हिस्सा जो है वो डालें, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि बहुत इफ़ेक्टिव होती है ये, तो ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए पानी में। 1.5 लीटर पानी में जो है चौथा हिस्सा पानी का, चौथा हिस्सा सॉरी चम्मच का जो है वो डाल के तो आप ये दें, तो आपके जो अंडे होंगे वो 80% जो हैं वो, ये गारंटी है कि 80% की गारंटी है कि वो फर्टाइल अंडे आपके आएंगे, 80% फर्टिलिटी आपके अंडों की होगी होगी ये वाइटासोल यूज़ करने की वजह से। बाकी जी अगर हम आगे देखते हैं, ये एसविट सी है, बेसिकली ये विटामिन सी है पाउडर, तो ये जो है बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, और बहुत सॉरी बेहतरीन जो है ये हल है गर्मी के तौर के लिए। तो ये आप अपने मुर्गों को गर्मियों में दें, इंशाल्लाह उनकी चोंचें भी बंद रहेंगी और उनके जो हैं पर भी जो है वो भी बंद रहेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल भी उनको गर्मी नहीं लगेगी। अब ये देखें जी, ये एक चम्मच जो है ये निकाली, ये पूरी एक चम्मच जो है पानी में डाल के और घुमा दें, इसे मिक्स कर दें पानी को। अब ये जैसे आप करेंगे दिन में, और आपने ये 24 घंटे रखना है पानी मुर्गों के आगे, 24 घंटे के बाद मतलब कि सुबह डालेंगे और अगले दिन आपने जो है पानी चेंज करना ही करना है। पानी जी चेंज करने की रीज़न ये है कि क्योंकि आजकल वैसे भी गर्मी का मौसम है, ज़्यादा देर पानी पड़े होने से पानी वैसे भी जो है ख़राब हो जाता है, और मोस्टली लोग जो है पानी वैसे भी एक ज़्यादा दिन के बाद जो है पानी चेंज कर देते हैं। तो ये पाउडर इस्तेमाल करने के बाद आपने एक चम्मच जब आपने डालनी है तो अगले दिन जो है आपने उसी टाइम जो है नया पानी इनके लिए तैयार कर देना, मतलब कि नए तरीके से ये पाउडर डाल के आपने पानी उनको देना है। तो इंशाल्लाह अगर आप ये करेंगे, और बाकी दूसरा हमारे पास ये ORS भी है, ORS भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लूकोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें आज के मौसम में बहुत ज़रूरी हो गई हैं क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि अपने मुर्गों को ये चीज़ें लाजमी हैं देना, अगर ये नहीं देंगे तो आपका बर्ड जो है आज नहीं तो कल गर्मी की वजह से बीमार हो जाएगा। तो अपने बर्ड्स पर मेहरबानी करें, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ें हैं, इनके साथ जुल्म ना करें आप,
तो काइंडली ये जो वाइटामिन हैं ये एस विट सी है, ये आप जो है लाजमी ये शुरू करें। बाकी जी ये देखें हमारा दूसरा कंडारी मुर्गा, माशाल्लाह कैसे हिल गया, बिल्कुल भी नहीं डरता, और माशाल्लाह से ये देखें सेहत इसकी, और ये देखें क्रीज भी जो है अपनी ये पूरे का आ रहा है, पर जो है इसके नए पंख आ रहे हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त। और ये देखें चोंच भी जो है इसकी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वापस आ गई जो कि टूट गई थी। उम्मीद करते हैं जी आपको हमारी ये वीडियो जो है ये पसंद आई होगी। अगली वीडियो इंशाल्लाह कुछ दिनों तक आएगी, एक दो दिन तक, वो हम वैक्सीन के बारे में बनाएंगे कि आपने अपने बर्ड्स को इस मौसम में कौन सी वैक्सीन करनी है और कैसे करनी है। वैक्सीन करने का कंप्लीट तरीका जो है आपको बताया जाएगा अगली वीडियो में। तो हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियो को, और शौकीन हज़रात के साथ शेयर भी करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।